ना ये लोग में भी नहाएगा। कहाँ घर हुआ लोग देख सकते हैं, एक चाचा जी जो कि चनाचूर बेच रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष, स्वागत है आप सभी का आज इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को घुमाने वाले हैं राज्य की माघी पूर्णिमा मेला राजमहल, जो कि झारखंड के साहिबगंज जिले के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इस मेला को आदिवासी महाकुंभ मेला भी कहा जाता है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं राजमहल, राजमहल से हम लोग को 1 किलोमीटर इधर ही आप लोगों को अभी जो गाड़ी है वो हम लोग को यहाँ पर ड्रॉप कर चुके हैं, क्यों आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और सभी यात्री जो है वो अभी यहीं से पैदल जाने वाले हैं राजमहल, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर है। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं सभी यात्री अभी पैदल पैदल जा रहे हैं और हम भी पैदल जा रहे हैं, मेरे साथ अभी बासु भैया भी जा रहे हैं। सो दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक बोर्ड देख सकते हैं, इस बोर्ड में लिखा हुआ है 24 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक ये मेला जो है वो रहने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं मतलब कि 4 दिन जो है मेला वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मेला लगने वाला है, उसके बाद भी मेला रहेगा, ऐसा नहीं है कि मेला उठ जाएगा, रहेगा लेकिन मेला का जो रौनक होता है वो थोड़ा कम हो जाएगा। सो दोस्तों आप लोग मेला का नज़ारा देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, अभी मेला में भीड़ है आप लोग देख सकते हैं, एंड इधर आप लोग देख सकते हैं इधर खाने पीने का दुकान वगैरह भी सब इधर मौजूद है। अभी मेला नहीं लगा, अभी सिर्फ जितना भी लोग आप लोग देख रहे हैं सब अभी गंगा नहाने के लिए आए हुए हैं और मेला जो है वो शाम को लगने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं इधर आइसक्रीम वगैरह सब कुछ का दुकान इधर लगाया गया है। सो दोस्तों अभी हम लोग गंगा घाट पहुँच चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से यहाँ का भीड़ किस प्रकार से है। अभी उतना ज़्यादा भीड़ अभी है नहीं, थोड़ा बहुत पहले अभी भीड़ बहुत ही ज़्यादा था, बट अभी टाइम भी हो गया बहुत, कोई नहा धोया के पूजा पाठ करके अपना अपना घर भी चल गया, जिसके कारण अभी पूरा फील्ड आप लोग देख सकते हैं पूरा खाली खाली लग रहा है। ये बच्चा सब देख रहे हैं मेरा कैमरा देख के आ गए हैं, अभी हाई कर दो, हाई कर दो, देख सकते हैं नहा लिया तुम लोग नहीं ना, ये लोग में भी नहाएगा। कहाँ घर हुआ, कहाँ घर हुआ, दूधकोल, ये बच्चा सब जो है दूधकोल का रहने वाला है। सो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं पानी टंकी के पास, पानी टंकी के ऊपर में हम लोग चढ़ गए हैं और यहाँ से आप लोग नज़ारा देख सकते हैं गंगा घाट का व्यू, एंड इधर भी आप लोग देख सकते हैं, इधर तो भीड़ आप लोगों को दिखा दिए, एंड इधर भी आप लोग देख सकते हैं इधर भी कुछ इसी प्रकार से भीड़ है। तो देख सकते हैं इधर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है, एंड इधर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों सारे अभी भक्त लाइन में लग गए हैं पूजा करने के लिए। आप लोग देखिए सभी के माथे में आप लोग देख सकते हैं कलश है और सभी कोई अभी लाइन में लगे हुए पूजा करने के लिए। कुछ लोग इधर पूजा करके आ चुके हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं पूरे गीले कपड़े में जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं सिंगी दलान से लंच घाट की ओर, क्योंकि यहाँ से जो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और यहाँ से आप लोग अच्छे से दिखा भी नहीं पा रहे, क्यों इसीलिए हम लोग अभी जाएंगे लंच घाट और वहाँ से नौका में चढ़ेंगे और फिर आप लोगों को नाव से दिखाएंगे इस घाट का व्यू। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। सो दोस्तों अभी हम है सिंगी दलान के मेन गेट के पास और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसी का जस्ट बगल में एक यहाँ पर केंद्र है जो कि है खोया पाया सूचना केंद्र। यहाँ पर आपका अगर बच्चा वगैरह कोई भी गुम हो जाता तो यहाँ पर आप उसका सूचना यहाँ पर आप दे सकते हैं। चलिए थोड़ा आपको नज़दीक से दिखाते हैं और इधर आप लोग देख सकते हैं एक चाचा जी जो कि चनाचूर बेच रहे हैं। तो चलिए आप लोग देखते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यही है खोया पाया सूचना केंद्र। अगर किसी भी तरह का आपका दोस्त या आपका लड़का वगैरह कोई भी अगर गुम हो जाता तो आप यहाँ पर उसका सूचना दर्ज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी आप लोगों को खोया पाया केंद्र दिखा दिए, अब सीधे हम लोग चलेंगे अभी लंच घाट की ओर। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग जाएंगे लंच घाट और लंच घाट से हम लोग नाव लेंगे और नाव से चढ़ के फिर आप लोगों को गंगा घाट का जो व्यू है वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो इधर आप लोग देख सकते हैं यहाँ का भीड़ अभी कुछ इस प्रकार से है, टेडी बियर का भी दुकान लगाया गया आप लोग देख सकते जो कि देख सकते कुछ इस प्रकार से है, देख सकते ये रहा दुकानदार, देखिए टेडी बियर बेच रहा है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सीधे लंच घाट में, आप लोगों से मिलते हैं।
सो दोस्तों अभी हम लोग नाव में चढ़ चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं नाव जो अभी यहाँ से खुल चुकी है। तो चलिए अब चलते हैं सीधे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से आपको गंगा घाट का व्यू दिख रहा है, तो चलिए थोड़ा सामने से आप लोग को दिखाते हैं। चलिए गाइस अभी तो हम लोग नाव से उतर चुके हैं, अब चलते सीधे मेले में आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों ये जो गंगा आप लोग देख रहे हैं, ये जो गंगा है ये उत्तर वाहिनी गंगा है, और ऐसा माना जाता है कि उत्तर वाहिनी गंगा में आप अगर नहाते हैं तो आपका सारा पाप जो है वो धुल जाता है। तो दोस्तों अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे तारामाछी, चलिए आप लोग को दिखाते हैं यहाँ पर किस प्रकार का झूला वगैरह जो वो है, कितना कितना प्रकार का झूला आया है, कौन कौन सा झूला आया, सब कुछ आप लोग को दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो आप लोग इधर देख सकते हैं इधर लोहा का सामान वगैरह इधर बेचा जा रहा है, एंड भीड़ आप लोग देख सकते हैं दोस्तों क्या ही ज़्यादा हो रखा है। अभी आज तो फिर भी थोड़ा अभी कम है, लेकिन शाम बेला जो है वो और भी ज़्यादा भीड़ हो जाएगा। देखिए ये भाई अभी कहाँ से, भागलपुर से, कब आया मेला घूमने आया? मेला घूमने आया। चलिए मेला घूमने, कैसा लगा यहाँ का मेला? अच्छा लगा। चलिए भाई को तो अच्छा ही लगा, अब देखते हैं हम लोगों को कैसा लगता है और आप लोगों को कैसा लगता है। तो इधर भी आप लोग देख सकते हैं, इधर भी बहुत सारा, अभी इधर भी जितना आप एक लाइन से देख रहे हैं इधर सारा जो है लोहा का ही आपको सामान देखने को मिलेगा। जी यूट्यूब चैनल शांतो दत्ता बोल के, एंड इधर आप लोग देख सकते हैं, इधर आप लोग अगर फोटो वगैरह शूट करवाना चाहते हैं तो इधर आप फोटो भी शूट करवा सकते हैं। कितना चार्ज है एक फोटो का? तो दोस्तों यहाँ पर आप अगर फोटो वगैरह खिंचाना चाहते हैं तो आपको पर पर्सन एक फ़ोटो का अगर आप खिंचाते हैं तो आपको 30 रुपया लगने वाला है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों अभी यहाँ पर मिकी माउस जो कि केवल बच्चों के लिए है, हम लोग के लिए तो ये अलाव है ही नहीं, क्या बोले आपको। अच्छा चाचा कितने साल का बच्चों के लिए है ये? 10 से 12। तो दोस्तों इसमें अगर आप चढ़ना चाहते तो आपका उम्र होना चाहिए 10 से 12, तभी आप इसमें चढ़ पाइएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है यहाँ पर। तो चलिए आप चलते थोड़ा आगे, एंड इधर आप लोग देख सकते हैं तारा माछी जो कि अभी बंद है फिलहाल, शाम बेला जो है वो चलने वाला है कुछ बंद, एंड इधर आप लोग देख सकते हैं इधर स्मोक बिस्किट का जो है वो भी शॉप इधर लगाया गया है। चलिए पूछते हैं भैया से यहाँ पर क्या प्राइस होने वाला है, क्या बेच रहे भैया? ये स्मोकिंग पान, पान में डाल के खिलाते हैं या बिस्किट? बिस्किट भी है, पान भी है। बिस्किट भी है और पान भी है। तो अगर आप लोग राजमहल मेला आते हैं तो इस भैया के पास ये पान, स्मोकिंग पान जो ये जरूर से ट्राई कीजिएगा। अच्छा कितना प्राइस होने वाला है? 30 रुपया। फायर पान, फायर पान कितना है? 30 रुपये। फायर पान 30 रुपये। ओके गाइस आप अगर फायर पान लेते हैं तो उसका भी आपको 30 रुपये पड़ने वाला, और स्मोकिंग आपको अगर बिस्किट वाला जो स्मोकिंग है वो भी आप अगर लेते हैं उसका भी 30 रुपये प्राइज होने वाला है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार भैया का शॉप है, और इधर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों पानी पूरी का स्टॉल वगैरह लगाया गया है। ये देखिए मेरा सब्सक्राइबर, ऐसे कैसे पीस दिए भैया, कैसे पीस दिए पानी पूरी? 10 का 6। तो दोस्तों ये जो पानी पूरी का शॉप देख रहे हैं, इस शॉप में अगर आप पानी पूरी खाते हैं तो आपको यहाँ पर 10 रुपये में 6 पीस मिलने वाला है। और आप लोग देख सकते हैं उसी के बगल में आपको चौमिन का भी दुकान मिलेगा। कैसे प्लेट दिए चौमिन? 20 रुपया प्लेट। चलिए काफ़ी सस्ता है यहाँ का भी, अभी इतना ज़्यादा मेला का भीड़ नहीं लगा इसीलिए अभी सस्ते में दे रहे हैं, जैसे भी भीड़ बढ़ेगा तो इन लोग का रेट भी हो वो भी बढ़ जाएगा। इधर आप लोग पानी पूरी का जो बक्स का देख रहे हैं आप लोग दोस्तों, कितना ही भयानक, कितना ही बड़ा है, आप देखिए अंदाज़ा लगाइए कितना पीस होगा। अच्छा इसमें कितना पीस होगा? हाँ 10-15 हज़ार। तो दोस्तों ये जो आप बस का देख रहे हैं इसमें लगभग 10-15 हज़ार पानी पूरी इसमें रखा हुआ है। इधर गाइस आप लोग देख सकते हैं, आप लोग भी अगर मेरे तरह कंटेंट क्रिएटर है, आप लोग भी अगर इंस्टाग्राम में या फेसबुक में या यूट्यूब में कहीं भी आप लोग अगर वीडियो बनाते हैं तो आप लोग यहाँ पर ट्राईपॉड या सेल्फी स्टिक कुछ भी अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। देख सकते हैं सभी कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ट्राईपॉड हो गया, सेल्फी स्टिक हो गया, वायरलेस माइक हो गया, सब कुछ आपको मिल जाएगा।
तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये ब्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इस मेला का जो है सेकंड पार्ट भी हम बहुत जल्द डालने वाले हैं, जिसमें हम बारीकी से आप लोगों को इस मेला के बारे में बताएंगे और पूरा मेला घुमाएंगे। आज तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, जिसके कारण उतना अच्छा से आपको मेला नहीं घुमा पाए। जो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से और एक न्यू वीडियो में।